नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एम्पलीफाई में। दोस्तों मैं फिर से एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Realme के दो स्मार्टफोन आजकल में ही लॉन्च हुए हैं, जिसमें पहले स्मार्टफोन का नाम है Realme Narzo 20 और दूसरे स्मार्टफोन का नाम है Realme 7i। तो इन्हीं दोनों के आज बारे में हम बात करेंगे, इनके कंपेरिजन करेंगे, लेकिन कंपेरिजन हम और वीडियो से अलग करेंगे। तो आज के इस कंपेरिजन को देख के उम्मीद है आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी नॉर्मल पर्सन जब फ़ोन लेने जाता है तो केवल उसमें दो चीज़ें देखता है कि यार फ़ोन का कैमरा कैसा है, लुकिंग कैसी है और उसमें जो है दम कितनी है। तो इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे कि फ़ोन का कैमरा कैसा है और दूसरी हम बात करेंगे इस फ़ोन में दम कितनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के पहले पार्ट की ओर बढ़ते और बात करते हैं दोनों फ़ोन के कैमरे को कंपेरिजन करके। तो दोस्तों पहले स्मार्टफोन में बात करते हैं Realme Narzo 20 की, जिसमें आपको पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिसमें दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और तीसरा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बात करें इसके सेल्फी कैमरे की तो आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे स्मार्टफोन की, जो कि आता है Realme की तरफ से आने वाला Realme 7i, तो जिसमें पहला कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, तीसरा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, चौथा कैमरा जो आता है वो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। ये एक मोस्टली बात करें तो बेसिकली ये सेंसर है जिसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर देखने को मिलता है। बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की दम की, यानी कि इसके वीडियो के पार्ट टू की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे बेसिकली इन दोनों स्मार्टफोन में किस में कितना ज़्यादा दम है। तो दोस्तों बेसिकली जो किसी फ़ोन की दम देखी जाती है कि यार इस फ़ोन में कितनी दम है, तो वो तीन चीज़ों से देखी जाती है। पहली देखी जाती है उसके प्रोसेसर से, दूसरी देखी जाती है उसकी रैम और स्टोरेज से, और तीसरी देखी जाती है उसकी जो है बैटरी से। तो दोस्तों पहले आप बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो Realme Narzo 20 में आपको MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों प्रोसेसर की बात करें Realme 7i में, तो आपको इसमें Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं रैम और स्टोरेज की, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है इसी पार्ट में, तो Realme Narzo 20 में आपको 4GB से ऊपर रैम नहीं देखने को मिलती, यानी कि 4GB की रैम देखने को मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो 64 और 128, यानी कि 64 और 128 दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करें इसी के साथ दोस्तों Realme 7i की, तो आपको इसमें एक तो जो रैम देखने को मिलती है वो 8GB से नीचे नहीं देखने को मिलती, यानी 8GB का सिंगल वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। और बात करें इसके साथ स्टोरेज की, तो आपको केवल इसमें सिंपल एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि मिलता है आपको 128GB का। अब बात करते हैं इस पार्ट टू के टॉपिक नंबर 3 की, जो कि आती है हमारी बैटरी। बैटरी काफ़ी ज़्यादा जो मेन रोल निभाती है एक स्मार्टफोन की दम में, तो इसमें जो Realme Narzo 20 में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, यानी 6000 mAh की काफ़ी बड़ी ह्यूज बैटरी देखने को मिलती है Realme Narzo 20 में। इसी के साथ बात करें यदि Realme 7i की, तो आपको इसमें 5000 mAh की, यानी कि 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों चार्जिंग की, तो आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में, यानी कि Realme Narzo 20 में और Realme Narzo 7i में, सेम चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि है फास्ट चार्जिंग, 18 वाट का फास्ट चार्जर आप दोनों को इन दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। चाहे आप Realme Narzo 20 ले लो, चाहे आप Realme Narzo 7 ले लो, दोनों में आपको सेम 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके मेन टॉपिक की, जो कि आता है प्राइस, यानी कि इन सारी चीज़ हमने देख ली। मतलब कोई कस्टमर गया किसी शॉप पे, वो दो चीज़ें देखता है कि इस स्मार्टफोन यार इसका कैमरा कैसा है और इसकी बैटरी, यानी कि इसमें दम कितनी है। अब ये दोनों चीज़ देखने के बाद वो तीसरी चीज़ जो देखता है वो देखता है पैसा कितना, मतलब पैसा कितना देना पड़ेगा। तो वो चीज़ निकल के आती है, मैं आपको बता देता हूँ कि Realme Narzo 20 को यदि आप खरीदना चाहते हो तो आपको 11 से 12 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि इसकी प्राइस की बात करें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपको बेसिकली 11 से 12 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे यदि आप Realme Narzo 20 को लेना चाहते हो। और बात कर रहे हैं Realme 7i की, तो आपको इसको लेने के लिए करीब 15 से 16 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं बेसिकली इन दोनों में से हमारा विनर कौन सा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि कैमरे के मामले में आप कोई भी कैमरे के हिसाब से फ़ोन लेना चाहते हो, तो आप बिना देखे समझे सोचे आप सीधे Realme 7i की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हैं उसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 4 यानी 4 कैमरों का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, उसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, जबकि इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, मतलब डबल, जस्ट डबल देखने को मिलता है।
और यदि आप कोई फोन का कैमरा अच्छा सा लेना चाहते हो, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं हो, मतलब बिल्कुल हाई क्वालिटी नहीं हो लेकिन फोन अच्छा हो, यानी कि उस फोन में जो दम हो वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसकी बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा होना चाहिए और उसकी जो है रैम वगैरह भी काफी सही होनी चाहिए। तो यदि आप इनमें दम देखकर लेना चाहते हो कोई भी स्मार्टफोन, तो आप ले सकते हो रियलमी नार्जो 20 को। रियलमी नार्जो 20 को आप यदि लेते हो तो आप कैमरे से तो खुश हो जाओगे, इसके साथ साथ दम से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। और यदि आप कैमरा बहुत अच्छा लेना चाहते हो, दम हल्की सी 19-20 चले कोई दिक्कत नहीं, तो आप रियलमी 7i बिना सोचे समझे ले सकते हो, यदि आप 4 से 5 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल सकते हो। तो दोस्तों इसमें आपका नॉर्मली बिना कोई नहीं रहा है कि मतलब दम ज़्यादा लेना चाहते हो तो रियलमी नार्जो 20, और यदि कैमरा अच्छा लेना है तो रियलमी 7i। तो ये दोनों फ़ोन जो अपनी अपनी जगह पर विनर है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आजकल सभी लोगों के बीच में। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे खत्म होता है, मिलते हैं आपसे ऐसी कंपैरिजन या फिर इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, धन्यवाद।